राजधानी देहरादून के पवेलियन खेल ग्राउंड में दून डिफेंस इंटरनेशनल स्कूल व दून डिफेंस कैरियर पॉइंट ने मैथ ओलंपियाड व खेल महाकुंभ का आयोजन किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विशिष्ट अतिथि के तौर पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा व स्वामी दर्शन भारती ने शिरकत की। दून डिफेंस इंटरनेशनल स्कूल व दून डिफेंस कैरियर पॉइंट के निदेशक जेपी नोटियाल व मोनिका नोटियाल ने अतिथियों का स्वागत करने के साथ ही स्मृति चिन्ह भेंट किए। निदेशक जेपी नोटियाल ने संस्था द्वारा साल भर कराए गए कार्यक्रमों की जानकारी दी। सबसे पहले मैं माता पिताओं से आग्रह करना चाहूँगा कि हमारा बच्चा आज की डेट पे उस खुले समाज में जी रहा है कि जहाँ पे बहुत सारी विकृतियाँ चल रही हैं। नशे का जो व्यापार चल रहा है पूरे इंडिया में कहेंगे, तो उससे अगर बच्चे को बचाना है तो सबसे पहले बच्चे के अंदर संस्कार लेके आने होंगे और बच्चों के साथ खासकर माता पिताओं को एक टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जिसके बिहाफ पे बच्चा इन सारी चीज़ों से मुक्त हो। मेरे ख्याल की तैयारी है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे प्रदेश के 15 लाख बच्चों को अब कॉपी किताब फ्री देने का सरकार ने निर्णय कर दिया है। जो बच्चे घुमंत तो हैं, जिन बच्चों के जो है घर की स्थिति बहुत ख़राब है, वैसे गरीब बच्चों के लिए जो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हर ज़िले में एक एक हॉस्टल खोलने के लिए और उन बच्चों को भी निःशुल्क पढ़ाई करने का भी सरकार ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा। नटियाल जी को भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। आत्मा एंड मन कर रहे हैं।